बंदा है यार, 10 किलोमीटर पी के चला रहा है। गाइस सही से सुनना, स्पीडोमीटर पी के चला रहा है, ना कि मैं। हमारे स्पीडोमीटर में थोड़ी सी पी ली है। I'm just kidding, bro. वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? तो यार अब निकला हूँ राइड पे, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो थैंक यू गाइस, मेरा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, थैंक यू लॉट फॉर दैट। ऐसे ही आप प्यार देते रहो। जो भी अनोन बंदा देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल भी, नहीं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो थोड़ा मोटिवेट मिलता है न्यू वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आप देखते हैं देखने को क्या मिलता है। जा भाई जा, झीले में मिल गई। तो दैट वाज अ न्यू GXX GXSF। मुझे क्या पता नहीं, मुझे मेरे भाई को दिक्कत बोलने में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसे GSX ही बोलता हूँ। आई डोंट नो, आई लाइक दैट वर्ड GSX, क्योंकि सुपर बाइक वाला साउंड करता है ना, सुनने में भी बिल्कुल अच्छा लगता है। और मुझे दिखने में यार न्यू मॉडल उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये वाला मॉडल जो है वो काफ़ी हद तक है मैंने हायाबुसा के लुक तक आता है, तो मुझे ये वाला लुक बहुत ही बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू द न्यू वन। न्यू वन उतना खास नहीं लगता है मुझे। बाकी बात करें पावर की भी, तो न्यू मॉडल में उतना ज़्यादा पावर नहीं है। तो गाइस यार इवन मेरा ये जो स्पीडोमीटर है ना, ये प्रॉब्लम दे रहा है। आई डोंट नो, जब मैं शाम के समय जब निकलता हूँ ना तो बहुत कोई कभी कभार चलता है, जैसे मैं बाइक रोकता हूँ वहीं पर तो स्पीडोमीटर बंद हो जाता है या तो डांस करने लग जाता है, जैसे 10, 20, 30, 40। तो अभी देखो बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। तो फिर शाम को अगर मैं ब्लॉक करूँगा, मैं कंटिन्यू रहेगा ब्लॉक, तो देखने को मिल जाएगा उसमें। तो अभी आप देखना कि स्पीडोमीटर बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ हैपनिंग टू द स्पीडोमीटर, कि अगर इसकी वायर ख़राब हो जाती है तो इसे हमें एकदम से बंद होना चाहिए। तो ये क्या है, कभी बंद पड़ रहा है तो कभी चालू हो रहा है। मे बी इसमें कार्बन आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने जो ऑलरेडी WD-40 ऑनलाइन ऑर्डर करके रखी है, तो मुझे ऑनलाइन शॉप में वो वाली जो है डीगो पैक नहीं मिल रहा था, अराउंड 200 ml का ही मिल रहा था लोकल शॉप से। तो मैंने अराउंड 400 ml मुझे चीप में भी पड़ा फ्लिपकार्ट से, तो मैंने वो ऑर्डर करके रखी है, चेन लूप ऑर्डर करके रखी है। तो फिर एक बार मेरे लोकल मैकेनिक से वो जो WD-40 से क्लीन करके फिर से जो है उसकी जो वायर है लगा कर देखता हूँ, अगर कुछ बनता है तो ठीक है, तो पूरा सेट जो है न्यू चेंज करके लेंगे। अराउंड 700-800 कॉस्टिंग है, मैंने चेक की थी कल ऑनलाइन। तो लेट्स सी क्या होता है बॉस, तो मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा भगाते हैं। क्या बंदा है यार, लुक एट दिस, पूरा ग्लास पड़ा है, पूरा एक गाड़ी का पूरा शीशा रहेगा, फुल मिरर रहेगा, क्योंकि फूट गया है पूरी तरह से। इस रोड का नाम मज़ा ही निकालते हैं इन लोगों ने। आप जो जो स्लाइडर्स जो बनाए हैं इन लोगों ने, आप जो व्हाइट लाइन को रहते हैं वो इन लोगों ने न्यू बना दिए, उसकी वजह से भी यहाँ पे यार बनाए बना सकते हैं। बनाए तो बनाए, इतने हार्ड बनाए ना, क्या हो रहा है यार आज। Two hours later. क्या कर रहा है
पागल भी हो गए हैं क्या? साहब गॉड स्पीड सो आई विल टेल यू गाइस कि मैं कौन सा इंजन यूज करता हूँ. यूज द मोटुल 74,000 फुली सिंथेटिक ऑयल. आई मीन वो ऑयल यूज करके मुझे लगभग हो गए हैं ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर्स. मैंने लगवाया था आई गेस 30,000 पे या 30,100 पे शायद. तो 3,000 किलोमीटर हो गए उसके बावजूद भी जो है बाइक एकदम मक्खन चल रही है बहुत. जहाँ सिंथेटिक मिनरल रहता है ना उससे ऐसा होता ही नहीं है. 1,000-1,500 किलोमीटर होते ही उसकी हालत टाइट हो जाती है. लेकिन जो फुल सिंथेटिक रहता है ना इसका मज़ा बहुत 3,500-4,000 तक चलता है. फिर इसकी हालत थोड़ी पतली होती है लेकिन एक्चुअली 5,000 तक चल जाता है. लेकिन मेरे हिसाब से 4,000-4,500 में चेंज कर लेना चाहिए. एज पर मी 4,000 बेटर है क्योंकि अब इंजन थोड़ा सा ओल्ड होने लग जाता है ना. जैसे मैंने ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए मेरे बाइक के तो फिर बेटर टू चेंज एट 4,000 किलोमीटर. मेरे पगला गया बॉस. गाइस लुक एट द स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर क्या है यही मैं बोल रहा था आपको. अचानक से क्या होता है मुझे खुद को आइडिया नहीं क्या हो जाता है इसको. और विदाउट इंडिकेटर के बंदा निकल गया. अपना काम हो जाएगा. मे बी ये किलोमीटर नहीं चल रहा है ठीक से. यानी किलोमीटर भी बराबर से रीड नहीं हो रहा है किलोमीटर में. तो यार बहुत जल्द करना पड़ेगा मेरे को. आई मीन देखते हैं कल ही कर दूंगा मैं. टुमारो इज फ्राइडे तो मैं कल करवा लूँगा. ये मेरे को झंझट नहीं चाहिए. और अपन को स्पीडोमीटर दिखना चाहिए वरना मोटर लॉगिंग का कोई मज़ा ही नहीं है विदाउट स्पीडोमीटर. कल करवा लूँगा मैं. ऊपर से पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं. क्या हो रहा है यार? आप क्या कर रहा है यार? पागल है क्या बंदा है? बुला देता मुझे अब भी. दैट्स द हाली. वेरी वेरी सैड टू से कि हालिया बंद हो गया इंडिया में. भाई वाह मौज कर दी भाई इसने. अच्छा लग रहा है लेकिन स्प्लेंडर वैलिडिटी इंडिकेटर. पीछे का डिस्क ब्रेक कैसे आवाज़ करता है मुझे कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में. प्रेशर पे मारता हूँ ना आवाज़ करता है यार. किलोमीटर में थोड़ी सी जान आ गई थी. थोड़ी सी जान आ गई है. फिर से बंद हो गया है बंदा. लगता है मेरा स्पीडोमीटर पी के चला रहा है. गाइस सही से सुनना स्पीडोमीटर पी के चला रहा है ना कि मैं. हमारे स्पीडोमीटर ने थोड़ी सी पी ली है. आई एम जस्ट किडिंग ब्रो. थोड़े दिन से ये ना कॉप्स का फेवरेट स्पॉट हो गया था.
रहने दो यार। गैर मारने में थोड़ा बहुत मजा आता है, लेकिन रिस्क तो बहुत ज्यादा है। लुक एट दिस गाइस, गाइस मेरा स्पीडोमीटर देखो। अरे यार क्या हो रहा है इसको, कुछ पता नहीं चल रहा है। स्पीडोमीटर डिस्को डांस कर रहा है भाई, हमारे फ्लैशर की तरह स्पीडोमीटर भी डांस कर रहा है। बहुत ही बढ़िया बॉय, लुक एट दिस ट्रैफिक यार। तो ये तोड़ते हुए जाऊंगा मैं, नंबर प्लेट तो देगा यार, भेज देगा वहाँ पे से, वहाँ से नंबर प्लेट किया है इसने। I love my India, oh ho, fat daddy, cycle with a fat ass. भाई यहाँ पे न्यू रोड करा दिया जाए। अरे यार ये क्या अधूरा काम किया यार इन्होंने बना। ओ भाई साहब लुक एट द स्पीडोमीटर, फिर से आ गया भाई, जिंदा हो गया ये। मैं थोड़ा सा भगाना था लग गया, ये बंदा जिंदा हो गया। वाह भाई वाह, एक नंबर भाई, स्पीडोमीटर ऑफ रहना चाहिए यार स्पीड का, तू भी जागा हो गया भाई, एक नंबर। तो गाइस आज का वो ब्लॉग जो यही शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, आपको थोड़ा बहुत आपको पसंद आया होगा हमारे स्पीडोमीटर को डांसिंग करते हुए देखते हुए। तो जरूर करना वीडियो को लाइक, चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना, हमें व्यूज आ तो रहे हैं 300+, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, उस घंटे को भी दबा देना कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।